जिंदगी जीनी है, अगर किंग की तरह जिंदगी जीनी है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने। बच्चों, जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसी के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्लास चल पड़ी है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। आज आपके ये PDF फॉर्मेट है, ठीक है। आज पहली बार मैंने ये ट्राई किया, कल से बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट सारी की सारी ये चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, तो हम आज का, कल आपने कितना सीखा आज टेस्ट करते हैं बच्चों। वीडियो चल गई है, राम राम स्नाम जिंग जी। ठीक है, कल क्वेश्चन हमने किया था बच्चों कि प्राचीन काल की बात है ना, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में हरियाणा को बच्चों क्या कहा जाता था, बर्मावर्त प्रदेश कहा जाता था, बर्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था, या सभी कहा जाता था। तो बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, तीनों ही कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था, बर्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था, बर्मावर्त कहा जाता था। और हरियाणा को बर्मावर्त किसने कहा था, तो मन्नू ने कहा था। हरियाणा को बर्मावर्त कहने वाला व्यक्ति कौन होता था बच्चों, मन्नू ने हरियाणा को बर्मावर्त कहा था। गुड आफ्टरनून अनिल एक्स आर्मी में भाई साहब, नमस्कार सौरव जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से जाना जाता था, बर्मावर्त। और अगर आपसे पूछे बच्चों हरियाणा की जो प्रकृति है ना, या हरियाणा की नेचर की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हरियाणा की प्रकृति या नेचर की उत्पत्ति भी किससे हुई है बच्चों, तो वो किससे हुई है, बर्मा जी से हुई है। तो प्राचीन काल में हरियाणा को तीनों नामों से जाना जाता था, तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था, बर्मा की उत्तर वेदी कहा जाता था, और ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। ये प्राचीन काल में हरियाणा को बच्चों सभी नामों से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है, तो बर्मा जी से मानी जाती है। और हरियाणा शब्द सबसे पहले किस में मिला था, चाहवण ग्रंथ में हरियाणा शब्द मिला था। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था, अर्जुन ने किया था, भीष्म ने किया था, भरत ने किया था। तो ये पूछना चाहता है किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा, कल मैंने बताया था बच्चों भरतवंशी शासक होता था, भरतवंशी शासक होता था जिसका नाम होता था राजा सुदास। तो राजा सुदास ने ना हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान क्या किया था, शुरू किया था। और राजा सुदास ने ही ना कौन सा युद्ध लड़ा था बच्चों, दस राज युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, दस राज युद्ध लड़ा था। दस राज युद्ध का बताया था बच्चों वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में दस राज युद्ध का वर्णन मिलता है, जो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषणी नदी के किनारे दस राज युद्ध लड़ा गया था। हालांकि बच्चों अर्जुन का संबंध है ना, अर्जुन ने ना हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा था, महाभारत का युद्ध लड़ा था। और अर्जुन से ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, अर्जुन ने ना एक, जब भीष्म पितामह जी है ना मौत की सेया पर लेटे हुए थे बच्चों, जब भीष्म पितामह, जब कौन बच्चों, भीष्म पितामह जी मौत की सेया पर लेटे हुए थे ना, तो अर्जुन ने ना एक तीर मारा था और उस तीर से गंगा निकली थी। तो बाण गंगा तीर्थ पूछा जा सकता है, बाण गंगा तीर्थ कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। बाण गंगा तीर्थ या नरकातारी तीर्थ भी आता है, ये कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और अर्जुन का भी संबंध है ना महाभारत के युद्ध की अगर मैं बात करूं ना, तो हरियाणा से बताया जाता है। भीष्म पितामह के तीर मारकर बाण गंगा वाला हो गया, और भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। तो बच्चों भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपने विजय की शुरुआत की थी, राजा सुदास ने की थी। सर रिफ्रेश करना कॉमेंट, ठीक है। आगे आता है बच्चों, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर, किस स्थान पर लड़ा गया था, जज्जर में, बल्लभगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में। तो बच्चों ये तो सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था, ऋग्वेद के सातवें मंडल में दस राज युद्ध का वर्णन, विजय जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कहाँ पर लड़ा गया था बच्चों, कुरुक्षेत्र में। और बल्लभगढ़
ना बल्लभगढ़, ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। 1857 में ना बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नहर सिंह ने किया था। किसने किया था बल्लभगढ़ का नेतृत्व? किसने किया था? राजा नहर सिंह। और जब भारत 1857 की क्रांति हार जाता है तो राजा नहर सिंह को कहां पर फांसी दे दी जाती है बच्चों? दिल्ली में राजा नहर सिंह को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बल्लभगढ़, बलरामगढ़ नाम कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। कुरुओं के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था। यहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कितने ईसा पूर्व लड़ा गया था गुरुजी? 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था बच्चों? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पानीपत को पाणप्रस्थ कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। पानीपत को क्या कहा जाता है? पाणप्रस्थ कहा जाता है। और झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है। और पाणिनि ऋषि का भी संबंध कहां से बताया? पाणिनि ऋषि के कारण भी इसका नाम कहते हैं। पानीपत पड़ा था, तो पाणप्रस्थ किसे कहा जाता था? पानीपत को। और जज भिंडावास और खप्परवास जो वन्य जीव अभियान रहे वो कहां पर रहेंगे? आपके झज्जर में रहेंगे। ये भी पेपर में आ सकता है बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है कि मुगल काल के इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? तो बच्चों गण ने लिया था, खापों ने लिया था, गण व्यवस्था ने लिया था, पंचायत ने लिया था। यानी कहते हैं मुगल काल में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? पहले है ना संपूर्ण भारत है ना, जैसे आपने सुना होगा कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में संपूर्ण भारत बंटा था। ये बच्चों प्राचीन काल की बात हो रही है, एंशियंट इंडिया की बात हो रही है। 16 में से 8 महाजनपद है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते, 16 के 16 सम्राट अशोक ने जीते। लेकिन मौर्य पद आते आते है ना तो उनको क्या जनपद चलते रहे थे, ठीक है, क्योंकि मौर्य है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुगल काल आया था ना तो क्या चलते रहे थे? जनपद चलते थे। अब जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था, ठीक है। तो ये मुगल काल में इस प्रदेश में जनपद है ना उनका स्थान, यानी मुगल तक तो पहले क्या चलते थे? जनपद ही चलते थे। मुगल आए ना उस टाइम जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था। आप भी आज पढ़ते हो बच्चों खाप है, पंचायत ने ये फैसला लिया है। आजकल खाप नहीं है, आजकल वैसे पंचायत की ही व्यवस्था है, ठीक है। तो आपको याद रखने लगे बच्चों, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पंचायत तो अभी है, ठीक है। पंचायत है ना सबसे पहले कब आता है? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज आया था। और किस समिति की सिफारिश पर बच्चों? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया था। बलवंत राय मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। एलएम सिंघवी समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। पीके थुंगन समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। वो पूछ लेगा इनमें कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो चेलिया समिति दे देगा। चेलिया समिति कर से संबंधित थी तो वो पंचायती राज से नहीं थी। तो चारों की चारों आपको याद रखना है कि पंचायती राज से कौन कौन सी समिति संबंधित थी। एक तो पंचायती राज से थी बलवंत राय मेहता समिति थी। एक बच्चों अशोक मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से था। एक पीके थुंगन समिति का भी संबंध पंचायती राज से था। एक एलएम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का भी संबंध पंचायती राज से होता था। तो पंचायती राज को ना 11वीं अनुसूची में जुड़ने के लिए ना अस्तित्व के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। पंचायती राज के पास कितने विषय है? 29 विषय है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का जन्म, ये मतलब जो पंचायती राज को क्या कहा जाता है बच्चों? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब लॉर्ड नहीं लगाएंगे इसके आगे, रिपन को कहा जाता है। और रिपन ने 1882 में किसकी स्थापना की थी बच्चों? ग्राम बोर्ड की स्थापना किसने की थी? रिपन ने की थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी समितियां थी सपना सैनी जी, ठीक है, ये चीजें याद रख लेना। बलवंत राय मेहता समिति ने
त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी सनाम सिंह जी अशोक मेहता 1977 में आई थी बिल्कुल है। तो ये समिति है ना, तो इनका संबंध आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित ये समितियाँ रहेगी। आगे पूछा जाता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, आगे आगे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इस पीडीएफ को, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं ना बच्चों वो आपको सारी की सारी चीज़ें करवाएंगे। आगे पूछा जाता है बच्चों बौद्ध काल के किस महाजनपदों में, ये भी कल हमने पढ़ा था ना बच्चों, बौद्ध काल के किस महाजनपदों में, सर ये दिख रहा है क्या चेक करना, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो सूरसेन अवंती में थे, कुरु पंचाल में थे, कौशल और वज्जी में थे, अस्मक और वत्स में थे। कल मैंने बताया था बच्चों बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो ये कुरु और पंचाल में थे। किस में थे बच्चों, कुरु और पंचाल में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है किस में थे, कुरु और पंचाल में थे। तो सूरसेन की कैपिटल भी बच्चों आपसे पूछी जा सकती है, सूरसेन की कैपिटल कौन सी होती थी, मथुरा होती थी। ये HSSC ने भी अपने एग्जाम में पूछ लिया, अवंती की कैपिटल है ना उज्जैनी होती थी, क्या होती थी उज्जैनी, अवंती की कैपिटल होती थी। कुरु की कौन सी होती थी, कल पढ़ाया था इंद्रप्रस्थ होती थी। पांचाल की कौन सी होती थी, अही छत्र होती थी, कौन सी होती थी, अही छत्र होती थी। और कौशल की कौन सी होती थी बच्चों, श्रावस्ती होती थी, क्या होती थी, श्रावस्ती होती थी कौशल की। और बज्जी की कौन सी होती थी बच्चों, बज्जी की कैपिटल वैशाली होती थी, बज्जी की कैपिटल कौन सी होती थी, वैशाली होती थी। अस्मक की कैपिटल कौन सी होती थी, अस्मक की कैपिटल है ना पोतन होती थी, क्या होती थी, पोतन होती थी। और वत्स की कैपिटल कौन सी होती थी बच्चों, कौसाम्बी होती थी, कौसाम्बी होती थी। ये बच्चों सारे के सारे है ना आपको जो लेक्चर करवा रखे हैं ना इंडिया जीके में, सारा का सारा आपको कोर्स में से मिल जाएगा। ये कैपिटल पूछी जाती है, तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो कुरु और पंचाल में ना हरियाणा के क्या थे बच्चों, भाग शामिल होते थे। ये पेपर में ना बच्चों आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा, 16 के 16 महाजनपदों की आपको कैपिटल याद करनी है। मैंने एनसीएंट इंडिया की जो वीडियो डाली है उसमें 16 के 16 महाजनपद है ना ट्रिक वाइज करवा रखे हैं, तो याद है कर लेना। बज्जी ऐसा महाजनपद था जिसमें ना गणतंत्र पाया गया था, ये भी चीजें बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने वहां पर पढ़ा रखा है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी होता था, रेवाड़ी होता था, आसी होता था, सिरसा होता था, अग्रवा होता था। ये कहता है कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी होता था बच्चों, अग्रगण की राजधानी कौन सा होता था, अग्रवा होता था। अग्रगण की कल वाली पीडीएफ दिलवा देना, ठीक है बच्चे। सर जी ब्राइटनेस कम कर दो थोड़ी, चलो ब्राइटनेस कम ही कर देता हूँ, टीचर सुंदर आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए, ठीक है अब सही दिख रहा है सर, ठीक है। तो प्रदेश का वह कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी होता था, तो बच्चों अग्रणी की राजधानी कौन सा होता था, अग्रवा होता था। कौन सा होता था, अग्रवा होता था। और अग्रवा है ना बच्चों ये है ना किसके लिए फेमस है पूरे भारत में, महाराजा अग्रसेन के लिए फेमस है। अग्रवा पूरे भारत में किसके लिए फेमस रहेगा, महाराजा अग्रसेन के लिए अग्रवा पूरे भारत में फेमस रहेगा। और बच्चों ये भी पूछा जाता है अग्रवा किस नारे पर बसा था, एक ईंट एक रुपया नारे पर क्या बसा था, अग्रवा बसा था। और अग्रवा से हमें बच्चों क्या मिली है, टकसाले मिली है, क्या मिली है, टकसाले है ना हमें कहाँ से मिली थी बच्चों, अग्रवा प्लस बरवाला से हमें क्या मिली थी, टकसाले मिली थी, ठीक है। और बच्चों संगीत के सात स्वर या सारे गामा पा, संगीत के सात स्वर भी कहाँ से मिले थे बच्चों हमें, अग्रवा से संगीत के हमें सात स्वर भी मिले थे। अगर गणराज्य की राजधानी भी कौन सा होता था, तो अगर गणराज्य की राजधानी भी कौन सा होता था, अग्रवा होता था। और ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अग्रवा से ना एक क्वेश्चन और बनता है, भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है, भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो भगवान सूर्य देव जी की भी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है बच्चों, भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति हमें अग्रवा से मिली है। और क्वेश्चन आ सकता है बच्चों अग्रवा से, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जयंती मेला लगता है, महाराजा अग्रसेन जयंती मेला कहाँ पर लगता है, अग्रवा में। लेकिन महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम आए ना, महाराजा
अग्रसेन खेल स्टेडियम बच्चे भावनाओं में बहकर अगरुआ करेंगे, लेकिन ना वो लाहली रोहतक में है, लाहली रोहतक में है, महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पर है, लाहली रोहतक में है। इस हिसाब से आपको याद करने हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज थोड़ा सा ना डिटेल में आपने पढ़ लिया ना, तो भविष्य में ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपको आज मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये क्लास आपको कैसी लग रही है कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना। एस्टेट का जो बैच है ना, और ये जो हमारा HSSC का बैच चल रहा है, HSSC वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा एग्ज़ाम तक। एस्टेट वालों के लिए जो 599 का बैच है बच्चों, वो आपके एग्ज़ाम तक है ना सारी की सारी GK कवर हो जाएगी। PRT का पूरा सिलेबस, TGT का जिसका SST है उसका फ्री करवा देंगे 599 में, SST अलग से दे देंगे, और PGT का 90 का 599 में रहेगा। अच्छा लगे तो देख लेना बच्चों, दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लेना, महाराजा अग्रसेन जयंती मेला, भगवान सूर्य देव की मूर्ति, ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिली है, अग्रवा से। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, महमूद गजनवी ने थाने सर पर कब आक्रमण किया, 1014, 1017, 1013 और 1016 में। तो महमूद गजनवी की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, महमूद गजनवी ने ना पहला आक्रमण किया था 1009 में, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण के भारत पर तो पहला आक्रमण किया था 1001 में, जो इसने बेहिंद का युद्ध लड़ा था, राजा जयपाल के साथ युद्ध लड़ा था, और राजा जयपाल हिंदू राजा था जो हार गया था, बाद में उसने क्या कर लिया था, सुसाइड। और महमूद ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया, हरियाणा पर 1009 में आक्रमण किया और बाद में लौट गया, लेकिन 1014 में ना थानेसर पर आक्रमण किया, और यहाँ से भगवान विष्णु की वो चक्र स्वामी महाराज की क्या ले गया था बच्चों, मूर्ति ले गया था। और महमूद गजनवी है ना, इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बच्चों, 17 बार आक्रमण किया था, एक बार भी हारा नहीं था। 1025 में सोमनाथ आक्रमण है ना, वो सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी का पूछा जाता है, और महमूद के साथ 4 इतिहासकार भारत आए थे, उनके नाम याद कर लेना बच्चों। फिरदौसी आया था, उत्बी आया था, एक फारूखी आया था और एक अलबेरूनी आया था। कौन आया था, अलबेरूनी की पुस्तक थी बच्चों ताकीद ए हिंद, और इसी पुस्तक में ना हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन मिलता है हमें, ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। सर इस रिफ्रेश करना एक बार कमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेना, 1001 में बेहिंद का युद्ध, टोटल 17 विजय जी, 1014 में चक्र स्वामी की मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं ना बच्चों, डिटेल में पढ़ोगे ना तो है फ़ायदा, अदरवाइज एग्ज़ाम है ना वो पहले जैसे एग्ज़ाम नहीं रहे। और इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं, बिल्कुल इसे मूर्ति भंजक कहते हैं। और भीम प्रथम मतलब 1025 में सोमनाथ का राजा होता था, फूफा आए थे, फूफा से भी याद कर सकते हो, एप से फारूखी, यू से उत्बी, एप से ये फिरदौसी, और ए से जो आपका अलबेरूनी हो जाएगा, फूफा से भी याद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और आज की मुहिम कैसी लग रही है आप थोड़ा सा बताना। 1027 में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। अब आता है प्रदेश का थानेसर स्थान नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी होता था, सम्राट अशोक की, कनिष्क की, हर्षवर्धन की, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की। तो बच्चों प्रदेश का थानेसर नामक स्थान है ना महाराजा हर्षवर्धन की क्या होता था, राजधानी होता था। और महाराजा हर्षवर्धन ने एक बार आया था थानेसर को किस शताब्दी में राजधानी बनाया था, 7वीं शताब्दी में राजधानी बनाया, क्योंकि महाराजा हर्षवर्धन है ना 606 ईस्वी में क्या बने थे, राजा बने थे। तो 7वीं शताब्दी में महाराजा हर्षवर्धन ने ना थानेसर को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। महाराजा हर्षवर्धन की ना रचना तीनों याद कर लेना बच्चों, रत्नावली पूछा जाता है, प्रिय दर्शिका पूछा जाता है, एक नागा नंद, और बाण भट्ट इसका दरबारी कवि था, उसकी रचना हर्ष चरित्र पूछी जाती है। तो महाराजा हर्षवर्धन पूछ ली, याद पेपर में पक्का आता है बच्चों, महाराजा हर्षवर्धन इसका राइट आंसर रहेगा। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था, राजा 606 में बने थे, 629 में इनके दरबार में चीनी यात्री हवेन स्वांग आया था, उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। 634-35 में महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के राजा थे, उन्होंने इनको नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया
किया था और इसका वर्णन हमें एहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये चीज़ें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ना सारा का सारा सिलेबस है ना जीके का बच्चों बेच में डाल रखा है, और इस तरीके से ना आपकी जीके की ना वो बच्चों सारी की सारी है ना रिविजन हो जाएगी। और ये है ना सीरीज आपको कैसी लग रही है एक बार कॉमेंट जरूर करना, सारी की सारी जीके है ना आपकी दोबारा मैं तैयार करवा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। कमेंट करके बताना ये मुहिम आपको कैसी लगी है, ठीक है। आगे पूछा जाता है बच्चों, 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के किस राजा ने इंपॉर्टेंट है 12वीं, ये कहाँ चला गया सर, पीडीएफ कहाँ चले गए, एक मिनट बच्चों, ये ठीक है, यहीं थे ना, हाँ यहीं थे बच्चों, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये क्वेश्चन आता है 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के किस राजा ने, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ अब ठीक है, 12वीं शताब्दी के किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को हराया, विगर राज ने हराया, अर्णो राज को ने हराया, विगर राज सेकंड ने हराया, या पृथ्वीराज चौहान ने हराया। नाइस, थैंक यू मीनाक्षी बिश्नोई जी, सर आपका पढ़ाया हुआ ही बता रहे हैं आपको, थैंक यू सर, थैंक यू लता सिंह जी, राम सिंह बहुत अच्छी मूवी में गुरु, थैंक यू बच्चे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को हराया, मैंने बताया था चौहानों का राजा कौन होता था, अर्णो राज, इसने ना क्या हराया था, इसने स्क्रीन को कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन कल तक क्लियर हो जाएगी बच्चे, ठीक है, स्क्रीन भी कल तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। गुलाम वंश के शासक ये याद कर लेना, 12वीं शताब्दी मैंने बताया था चौहान वंश के, ये अर्णो राज है ना ये चौहान वंश का शासक था, इसने किसको हराया था, इसने किसको हराया था, तोमरों को हराया था। तो बच्चों सारा का सारा कल मैंने हमने डिस्कस किया था और आपके क्वेश्चन है ना सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा में शक्तिशाली मेओं को हराने का कब प्रयास किया था, 1260 में किया था, 66 में किया था, 65 में किया था, या 67 में किया था। तो बलवन है ना बच्चों किस वंश का राजा था, बलवन गुलाम वंश का क्या होता था, राजा होता था, और इसने ना मेओं को हराने का प्रयास कब किया था, 1265 में किया था, और मेओं से लड़ता हुआ इसका कौन सा बेटा मारा गया था बच्चों, मोहम्मद मारा गया था, मेओं से लड़ता हुआ ना बलवन का कौन सा बेटा मारा गया था बच्चों, मोहम्मद को ना ये मेवातियों ने बलवन के बेटे मोहम्मद को मार दिया। और 1266 में बलवन जैसे ही राजा बना ना तो इसने मेवों को नष्ट करने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। कल मैंने बताया था इसने गुरुग्राम, कौन सा क्वेश्चन है, इसने गुरुग्राम में गोपालगिरी का क्या बनवाया था, किला बनवाया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था, फतेहाबाद बसाया, आंसी बसाया, टोहाना बसाया, सिवानी बसाया, तो इसने हिसार में कौन सा बसाया था, फतेहाबाद बसाया था। अब बच्चों उस टाइम है ना ये क्वेश्चन आया था ना, तो हिसार जिले में ना मतलब ये पूछ रहा है हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया। अब तो बच्चों फतेहाबाद भी जिला है और हिसार भी जिला है, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद किससे अलग हो गया था, हिसार से अलग हो गया था, और झज्जर भी बना था। तो बच्चों फतेहाबाद को ये पेपर में आता है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले कौन सा नगर बसाया था, यही क्वेश्चन आया था कल रख के एग्जाम में, और ऑप्शन में फतेहाबाद भी था और ऑप्शन में हिसार भी था, और HSSC ने क्या माना, फतेहाबाद माना, क्योंकि फतेहाबाद 1351 में बसाया गया था। ये क्वेश्चन बच्चों याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कल है ना बच्चों उस PDF को बिल्कुल साफ कर देंगे, आज पहली बार प्रयास किया गया, इसमें ना कुछ निशान भी जैसे आप देख सकते हो लगे हुए हैं, कल है ना आपकी ये PDF वाला बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा।
आगे आते हैं, निम्नलिखित में प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया, सिरसा पर, इंसार पर, फतेहाबाद पर या सभी? तो तैमूर ने कहां पर आक्रमण किया था बच्चों? सभी जगह आक्रमण किया था। और मैं बता देता हूं, तैमूर है ना 1398 में ना तैमूर ने कहां पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया ना, उस टाइम राजा कौन होता था? नसीरुद्दीन महमूद होता था। उस टाइम राजा कौन होता था बच्चों? नसीरुद्दीन महमूद राजा होता था। जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, उस टाइम राजा कौन होता था बच्चों? नसीरुद्दीन महमूद राजा होता था। और तैमूर अपने जीते हुए एरिया है ना किसको सौंप कर चला गया? खिजरा खां को सौंप कर चला गया। और खिजरा खां 1414 में आगे किस वंश का संस्थापक होगा? सैयद वंश का संस्थापक कौन होता था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन होता था बच्चों? खिजरा खां। एक बार खिजरा खां का मकबरा पूछा गया था, ये कहां पर रहेगा? हरियाणा के सोनीपत में किसका मकबरा रहेगा? खिजरा खां का मकबरा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत बार एग्जाम में आता है। और तैमूर है ना ये बच्चों सबसे पहले आया था सिरसा, और सिरसा से होता हुआ ये आया था फतेहाबाद, और फतेहाबाद से गया था ये इंसार, और इंसार से आगे दिल्ली पहुंच कर ना इसने लाखों हिंदुओं को ना मौत के घाट उतारा था। और बच्चों इसका सेनापति होता था खिजरा खां। और खिजरा खां है ना इसके बेटे शाहरुख को ना क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था। या खिजरा खां है ना वैसे देखा जाए तो एक कठपुतली राजा था। ठीक है, नोट्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अरे सौरभ भाई जी, बाद में मतलब क्लास पूरी हो जाए ना, क्लास में आप एक बार सुना करो। क्लास में ना जब तक क्लास से लेना तो ये नोटबुक मत रखा करो। क्लास पूरी होने के बाद है ना पहले तो ये स्टोरी समझने की कोशिश करो, और क्लास पूरी हो जाए ना बाद में नोट्स है बनाया करो। ये बेस्ट है, तैयारी होती है नोट्स बनाने की। क्लास के बीच में नोट्स बनाओगे ना तो आपका ध्यान नोट्स की तरफ ज़्यादा होगा, टीचर है ना उसकी तरफ कम रहेगा। टीचर की बातें जितनी बार सुनोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा, बाकी आप देख लेना। मेरे तो यही विचार है। ठीक है, यहाँ तो ये टॉपिक आपका पहले से सारे टॉपिक पढ़े हैं ना, तो फिर तो साथ साथ काम है चल सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ? तो पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, जींद। तो युद्ध कहाँ पर हुआ था 1526 में? पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। एसआई के एग्जाम में आया था। बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर रहेगी बच्चों? पानीपत में। और ये भी क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ ना, और इसमें ना इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा बताया जाता है। दिल्ली सल्तनत है ना बच्चों ये 1206 से 1526 तक चलेगी, और दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एक कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर कर मर गया, कई लू लग कर मर गए। तो ये पहला राजा था जिसकी ना मतलब युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं इन चीज़ों से। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? तो रेवाड़ी का शासक आपको पता है कौन हुआ करता था बच्चों? हेमचंद्र हेमू हुआ करता था। हालांकि राव तुलाराम का भी संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। और ये बच्चों हेमचंद्र ने ना 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा था? ये पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। और हेमू है ना पैसे से क्या होता था बच्चों? नमक व्यापारी होता था। और हेमू पूछा जाए ना कौन से नंबर का विक्रमादित्य होता था? तो 14वां विक्रमादित्य होता था हेमू, भारतीय इतिहास का 14वां विक्रमादित्य होता था। और इससे कहते हैं पानीपत की लड़ाई से पहले ना इसने 20 प्लस लड़ाई लड़ी थी और कभी ये हारा नहीं था। और कहते हैं इसके ना आँख में एक तीर लगने के कारण ना ये हार गया। हालांकि इस युद्ध का नेतृत्व बाबर की ये अकबर की तरफ से किसने किया था? बेरम खां ने। इसीलिए HSC ने ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों, अत्याचारी बेरम खां
किसकी सेना में काम करता था? तो अत्याचारी बेरम खाना अकबर की सेना में क्या किया करता था, काम किया करता था। सर रिफ्रेश कर दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तीसरा, पहला, दूसरा, कोई नहीं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये बच्चों मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था सदा शिव राव बाऊ ने किया था, और ये नेत्री युद्ध हुआ था बच्चों 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और इस युद्ध में ना बच्चों कहते हैं इतना खून बहा था, एक आम का पेड़ था ना खून से क्या हो गया था, वो काला हो गया था। इसीलिए पूछा जाता है ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, काला अंब नामक स्थान पर युद्ध लड़ा हुआ था। कहते हैं मराठों का इतना खून बहा था कि वो आम है ना वो हरे से क्या हो गया था, काला हो गया था। इसीलिए ये काला अंब युद्ध मेमोरियल भी इसको घोषित कर दिया गया। मराठों की तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और इस युद्ध के बाद भारत सेना मराठा शक्ति का क्या हो गया था बच्चों, पतन हो गया था। आगे पूछा जाता है बच्चों, ये 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, बाबल रेवाड़ी में, बहरामपुर में। तो 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी बच्चों, बहरामपुर में हुई थी। और जॉर्ज थॉमस का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। जॉर्ज थॉमस है ना ये 1787 में ना कहाँ आया था, दिल्ली आया था। और ये कहाँ का था, आयरलैंड का था। कहाँ का था बच्चों, आयरलैंड का था। और 1798 में ना इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया था, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी आंसी को बना लिया था। किसको बना लिया था, आंसी को। सर आप प्लीज़ बारह पर क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास है ना 10 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। रितु शर्मा जी 1761 है, गलती से आपने 73 लिख दिया, आंसी। हाँ बिल्कुल सही है कि रितु शर्मा जी थोड़ा ठीक कर लो। सर कल जो हिंदी की क्लास हुई थी उसको भी प्लेलिस्ट में डलवा दो, बिल्कुल डलवा देंगे, ठीक है। बहरामपुर में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बस आप पढ़ लिया करो, क्लासों का काम करेंगे हम और सिलेक्शन लेना थम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सन 1809-10 में समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? तो बच्चों 1809-10 में ना संपूर्ण हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था बच्चों, संपूर्ण हरियाणा पर ना किसका अधिकार हो गया था, ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। 1809-10 में समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था, तो ये किसका अधिकार हो गया था बच्चों, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1809-10 में। हालांकि बच्चों मराठों ने ना 1803 में अंग्रेजों को ना हरियाणा बेच दिया था। और अंग्रेज एक मराठा होता था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया ने ना बच्चों अंग्रेजों को क्या बेच दिया था, हरियाणा बेच दिया था। ये क्या होता था, मराठा होता था। और कौन सी संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। इसके तहत है ना इन्होंने किसको बेच दिया था, हरियाणा मराठों ने अंग्रेजों को 1803 में बेच दिया था। लेकिन 1809-10 में ना अंग्रेज संपूर्ण रूप से किस पर अधिकार कर लेते हैं, अंग्रेज कह दो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब हुआ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ, उस टाइम कितने जिले थे, 6। गर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, ये सारे के सारे है ना, गर जेके में, जींद, करनाल, ये सारे के सारे आपको याद कर लेना। जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले थे, 7 जिले थे, ठीक है। गर जेके वाली ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, वो ट्रिक याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, बनावली से, मिर्जापुर से, ये सी सवाल रहेगा, या सभी। तो सभी जगह से बच्चों, बनावली फतेहाबाद में कल मैंने बताया था, ठीक है। सी सवाल हिसार में, सी सवाल सभ्यता का संबंध कहाँ से है, हिसार, मिर्जापुर जो के यूके में। तो इन सभी जगह से ना बच्चों क्या मिली है, हड़प्पा से के अवशेष। कुछ जगह बताई थी कुणाल से हमें क्या मिला था, राजा का मुकुट मिला था। किसका मुकुट मिला था, कुणाल से हमें राजा का मुकुट मिला था। आगे क्वेश्चन आता है, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में कृषि युग का किस युग का प्रारंभ किया, ताम्र युग का, धातु युग का, लौह युग का, या कृषि युग का। मैंने बताया था महाभारत युद्ध में कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहलाई थी,
तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि आदि पर आदि रूपा कहलाई थी। माँ सरस्वती के 48 कोसों की उन्होंने पूजा की थी। तो कुरुओं द्वारा महाभारत काल में हालांकि हरियाणा को क्या कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता था, लेकिन कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी, तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी बच्चों, ये आदि रूपा और कुरुओं ने किस युग को जन्म दिया था बच्चों, कृषि युग को जन्म दिया था। आगे आता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया, तो बच्चों ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया। और पूछे ना बच्चों किस पेड़ के नीचे दिया गया, बरगद के पेड़ के नीचे किस स्थान पर दिया गया, ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि अर्जुन ने ना बच्चों तीर उठाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अर्जुन ने कहा था कि मेरे भाई और मेरे गुरु सामने खड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेटा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अगर तूने उनको नहीं मारा तो वो तेरे को क्या कर देंगे, मार देंगे, तो तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और तभी है ना अर्जुन ने एक बहाना लिया, बोला भगवान मेरे को ना तीर चलाना नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू तीर गलत जगह चला दे, लेकिन मैं उस तीर की डायरेक्शन क्या कर दूंगा, सही कर दूंगा। अब अर्जुन पीछे तीर चलाता ना, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी डायरेक्शन सही कर देता और तीर है ना कौरवों को लग रहा था। इसी प्रकार ना एक गुरु होता है ना, आप गलत मेहनत कर रहे हो ना, तो उस मेहनत का ना बस थोड़ा सा डायरेक्शन सही देता है और बच्चे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, अरे क्वालिटी टाइम पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम है ना मतलब मोबाइल लेकर साथ में पढ़ते हैं और मोबाइल पर आपको पता है रात को हाय हेलो के मैसेज आते हैं और फिर पूरी रात उन मैसेज में चली जाती है। फिर हम कहते हैं हवा का झोंका मेरा मन मोह गया और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया। तो ऐसी बात नहीं है, हमें है ना पढ़ना मैटर, क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि आप कितना पढ़ रहे हो। पढ़ाई जरूरी है बच्चों, लेकिन थोड़ा पढ़ लो, लेकिन ना क्वालिटी टाइम बिताना, मोबाइल बंद करके आपको पढ़ना है। तो बर्ग आगे आते हैं बच्चों, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आगे हम पढ़ेंगे। आगे आता है बच्चों योद्धे काल में हरियाणा में निम्नलिखित में किस प्रदेश की योद्धे कालीन, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे कहना चाहता है बच्चों योद्धे कालीन में हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में किस नाम की संज्ञा दी गई है, योद्धे गणराज्य, बहुधान्यक प्रदेश, गण प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। तो बच्चों योद्धे कालीन में या महाभारत कालीन में हरियाणा को क्या कहा जाता था, बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था। बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है बच्चों, अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। और बच्चों आगे आता है प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस काव्य का वर्णन किया, पानीपत का, अम्बाला का, स्थानेश्वर का या रोहतक का। तो बच्चों पुराने टाइम में ना हर्षवर्धन ने ये अवेन स्वांग ने किसका वर्णन किया था, थानेसर, और थानेसर का पुराना नाम आता है बच्चों क्या था, स्थानेश्वर। तो ये चीनी यात्री हवेन स्वांग कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। रचना कौन सी थी बच्चों इसकी, सी यू की इसकी रचना होती थी। इसे क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से आपके सभी क्वेश्चन ये सही हो रहे होंगे, ठीक है सर रिफ्रेश कर दो एक बार। सर ईयर याद करने में कोई तरीका है, बार बार भूल जाते हैं, ईयर भी याद हो जाएंगे, ठीक है जब तक आपकी कंप्लीट ना कर ले, स्थानेश्वर, ठीक है। बच्चों के बहुत जबरदस्त जवाब आ रहे हैं, मतलब पढ़ाने का कोई तो फायदा हो रहा है बच्चे। बच्चों ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना अभी, जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज को मिस मत करना बच्चों। क्वेश्चन एज इट इज दिखा दूंगा, आपके नोट से क्वेश्चन दिखा दूंगा, जो आप अभी ये सीरीज चल रही है ना एज इट इज डायरेक्ट ऑप्शन भी सेम होंगे, देख लेना, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तहकीत ए हिंद, कादम्बरी, हरचरित या यश तिलक चंपू। तो बच्चों ये पेपर में ये आ चुका है कि तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यश तिलक
चंपू से मिलती है। ये क्वेश्चन बच्चों रट लेना, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, और यश तिलक चंपू है ना, ये सोमदेव के ग्रंथ है। ये किसने लिखे थे, ये नया क्वेश्चन है, ये ग्रंथ है ना सोमदेव ने लिखा था। जैसे हरियाणा को बर्मा बर्थ मन्नू ने कहा था ना, यश तिलक चंपू किसने लिखा था बच्चों, सोमदेव ने लिखा था। ये रट लेना। सर मैं तो जिस दिन पढ़ाई नहीं करता, क्लास नहीं देखता, रीजनिंग और मैथ की दिल नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है सौरभ जी, ठीक है। तो यश तिलक चंपू है ना, ये पेपर में आता है, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, यश तिलक चंपू से मिलती है। और यश तिलक चंपू है ना, ये ग्रंथ किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। आगे आता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट, ये 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन होता था, तो तावड़ू का शासक होता था बच्चों जलाल खां होता था। कौन होता था, जलाल खां। यानी तावड़ू क्या है, ये मेवात की एक रियासत है, उसका शासनकाल शासन कौन होता था, जलाल खां होता था। और मोहन सिंह मंडार है ना, ये कैथल का शासक था। कहाँ का शासक था बच्चों, कैथल का शासक था। ये कल मैंने बताया था असन खां मेवाती का संबंध कहाँ से होता था, मेवात से होता था। कहां से होता था, तो 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक कौन होता था, तो कौन होता था, जलाल खान तावड़ू परगने का क्या होता था बच्चों, शासक होता था। ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, सोमदेव ने लिखी थी सौरभ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे आता है बाबर कालीन राजपूत शासक, ये आ गया ना मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी थी, तो ये कैथल परंगने से संबंध रखता था, मोहन सिंह मंडार रखता था, ठीक है। ये कैथल से संबंधित कौन था, मोहन सिंह मंडार का संबंध कहाँ से होता था बच्चों, कैथल से संबंधित कौन था, मोहन सिंह मंडार होता था। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 1756-57 में हरियाणा है ना, इम्पोर्टेंट है, 1756-57 में हरियाणा निम्नलिखित में किसके अधिकार क्षेत्र में रहा, मुगलों के, मराठों के, सिखों के या सतनामियों के, तो मैंने बताया था 1756-57 में हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था, मराठों का। और 1803 में मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया, अंग्रेजों को, किसने, दौलतराव सिंधिया ने, किस संधि के तहत गुरुजी, तो सुरजी अंजन की संधि के तहत। और 1809-10 में ना संपूर्ण रूप से, यानी कुछ है ना, मतलब जाटों ने, बिश्नोइयों ने या बहुत सी जातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे उन जातियों पर, संपूर्ण जाति पर अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 में हो गया था, ये याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे आता है अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का, हिम्मत साहब दली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग है ना, वो अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला किसको सौंप कर चला गया, मुगलों को, सर हिंद के गवर्नर को, ठीक है, और सिखों को, तो वो मुगलों के, वो सर हिंद के गवर्नर को सौंप कर चला गया था। ये अहमद शाह अब्दाली है ना, ये 1761 में ना जब ये मतलब जीत जाता है तो अपने प्रदेश किसको सौंप कर चला गया था बच्चों, सर हिंद के गवर्नर को सौंप कर चला गया था, सर हिंद के गवर्नर को। ये पेपर में बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अपने जीते हुए प्रदेश है ना, सर हिंद के गवर्नर किसको सौंप कर चला गया था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो सर हिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप कर चला गया था अपने जीते हुए प्रदेश। ये क्वेश्चन है ना लेटेस्ट है, आगामी एग्जाम में भी आएगा। अहमद शाह अब्दाली है ना अपने जीते हुए प्रदेश सर हिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप कर चला गया था, और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में मराठों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप कर चला गया था, सर हिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप कर चला गया था। ये था बच्चों आज का लेक्चर, और ये पहल आपको कैसी लग रही है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे करते करते ना पूरी की पूरी है ना मैं आपको बच्चों ये हरियाणा जी के है ना बिल्कुल डिटेल से करवा दूंगा। डिटेल में ना वो सारे टॉपिक है, आपको लगभग है ना 110 वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो आप कर लो डिटेल में, और यहाँ ना मैं पूरी की पूरी हरियाणा जी के एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको करवा दूंगा। एज इट इज ऑप्शन भी यहीं से मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, आप कॉमेंट करके बताना कि इस श्रृंखला को हमें आगे रखना है। आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक जाते जाते ये बताना क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। सर मैंने सर टेलीग्राम पर भी कहा था जी,
कोई दिक्कत नहीं सौरभ कश्यप जी, कर देंगे आपकी डिमांड, रोजाना क्लास टाइम लगेगी। हाँ, एक से रोजाना क्लास बच्चों ये 12 से 1 लगेगी।